देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनी ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भारतीय तेल कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली में आज पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार पहुंच गई है। अब पेट्रोल 100.21 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 91.747 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यानी कि अब धीरे धीरे डीजल की कीमतों में भी बढ़ावा हो रहा है। बता दें कि इनॉल कंपनियों ने एक दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल की में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। पिछले 8 दिनों में 7वीं बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है जिसका बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर में 3 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार कर मोबाइल लूट की कई घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जगह जगह शातिर लुटेरे नई नई योजना बनाकर चलते राहगीरों से मोबाइल लूट लेते थे और पुलिस इन शातिर चोरों की तलाश में जुटी रहती है। इसी कड़ी में बुलंदशहर पुलिस ने 3 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को अब जेल भी भेज दिया है। ये एक गिरोह था, ये लोग पहले इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। इन्होंने अभी नया शौक शुरू किया था एक कार्यक्रम जिसमें इनका ये काम था कि मोटरसाइकिल से जाते थे किसी एरिया में, उस एरिया में जो भी आदमी इनको अकेले मिल जाता था उससे जो भी मोबाइल या कोई अन्य चीज़ मिलती थी उसे छीन लेते थे लोग। इस तरह की वारदात इन्होंने 1 दिसंबर में किया था एक वकील के साथ यहाँ पर कोतवाली देहात क्षेत्र में एमएमआर माल के पास। उसका 392 का मुकदमा लिखा हुआ था और स्नेचिंग और की थी जिसमें 356 का मुकदमा लिखा हुआ था। ये मार्च महीने का है। ये यहाँ पर भी घटना करते थे और अलीगढ़ वगैरह में जाकर घटना करते थे। अलीगढ़ में भी इनका 392 मुकदमा लिखा हुआ है। इस प्रकार से कुल 4 मुकदमे भी कनेक्ट हुए हैं और 4 मुकदमे में इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके पास इन्होंने जो स्वीकार किया है करीब 9 इन्होंने घटनाएँ स्वीकार की हैं। कुछ मोबाइल इनके पास और मिले हुए हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उनकी डिटेल्स वगैरह मंगाई गई है और उनका कनेक्ट होने के बाद उनका लग जाए उसी हिसाब से उसमें भी विधिक कार्रवाई कराई गई। वहीं उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई पर सियासत गरमा गई है। देहरादून में महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपने इस नारे को भूल गई है। देखा होगा जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं वैसे ही जो मोदी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने हर चीज पे दाम बढ़ा दिए। चाहे पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 6वीं बार आज सुबह बढ़ा है, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई। तो ये तो जनता के ऊपर एक लूट है जो सरकार इलेक्शन खत्म होकर तुरंत चालू कर दी है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप महिलाओं के बजट को खराब करोगे तो फिर हम लोग आपके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा।